हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए चैनल इन फोकस स्टडी। सो आज हम क्लास 6 इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आएगा। सेम यही पैटर्न रहेगा, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सो लास्ट से शुरू से लास्ट से देखना, मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए, इवन ग्रामर तक मैंने कवर किए और राइटिंग सेक्शन भी कवर किया हुआ है। सो पहला क्वेश्चन है, हु ऑर्डर्ड द ग्रास डिनर, ठीक है। ग्रैंड डिनर किसने वो किया था, ऑर्डर दिया था, तो महाराजा ने किया था। कहाँ के महाराजा थे, ट्रवन कोर के थे। वेयर डिड द महाराजा एंटर, उन्होंने कहाँ एंटर किया। सो यहाँ पे देखो आंसर लिखा हुआ है, ऑर्डर ग्रैंड डिनर इन एट पैलेस इन आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड किचन टू सर्वे डिशेज एंड हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फिर वॉट आर यू डूइंग टू डू दोज वेजिटेबल स्क्रैप, ठीक है। ही आज टू कुक क्या है, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ द क्या स्क्रैप नियर द कुक। तो उन्होंने किचन गए थे, ठीक है। वेयर इज द महाराजा एंटर, तो किचन हो जाएगा। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दीज स्क्रैप, ठीक है। हु सेड दिस, किसने बोला कि तुम इस इन स्क्रैप्स के साथ क्या करोगे। सो महाराजा ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वॉज कैप्ट इन द बास्केट, बास्केट के अंदर क्या था, तो स्क्रैप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट नाउन, तो नाउन क्या होता है, किसी भी नेम प्लेस, ठीक है, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। नाउन होता है जो ग्रैंड है, वो क्या कर रहा है, एक तरह से फीचर बता रहा है, तो ये हमारा नाउन नहीं हो जाएगा, ये एडजेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, बाकी सेकेंड भी पैराग्राफ बेस्ड था, ठीक है। स्टडी करके इसको आंसर देना था। पहला क्वेश्चन था, वॉट डिड रैम्बो द ग्रेस ग्रेस शॉपर डू ऑल डे, तो पूरे दिन वो क्या करता था, डांस और गाने सुनता था। फिर उसके बाद हु वॉज जॉली, जॉली कौन था, एक मेहनती चीटी थी, ठीक है। फिर उसके बाद वॉट हैपन टू ग्रास हॉपर इन द विंटर, विंटर में उसके साथ क्या हुआ, उसके पास खाने को नहीं बचा, वो जॉली से मांगने गया और जॉली ने उसकी क्या कर दी, हेल्प कर दी। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि वॉट हैपन, तो ही हैड नो फूड टू ईट, जॉली द एंट इसने हेल्प कर दी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रैम्बो प्रॉमिस, रैम्बो ने फिर प्रॉमिस क्या किया उसके उस दिन के बाद से, कि वो क्या करेगा, किसी से भी मतलब वो मेहनत करेगा, ठीक है, पूरी तरह से मेहनत करेगा। फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए आया हुआ, दो एप्लीकेशन है और एक पैराग्राफ है, तो ये भी मैंने आंसर दे रखे हैं, देख सकते हो आप आंसर, ठीक है। आंसर नोट कर लेना कॉपी में, स्क्रॉल कर देता हूँ, टू द प्रिंसिपल, फिर सिटी पिन कोड, फिर सब्जेक्ट क्या डालना है आपको, एप्लीकेशन जो भी चाहिए, फिर सर मैम मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम लीवर सॉरी फीवर सिंस यस्टरडे, देयर फोर आई एम नॉट अनएबल, ठीक है, टू अटेंड द स्कूल। बस इतना लिखना था इसमें, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज फ्रॉम डेट टू डे, जो भी होगा वो लिख देना। उसके बाद एक और यहाँ पे लेटर लिखने के लिए आया था, तो उसका फॉर्मेट भी था, आप चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट हमारा था ये एक हमारा पैराग्राफ था, टीचर किसके ऊपर, माई स्कूल के ऊपर, तो माई स्कूल के ऊपर आप देख सकते हो कैसे लिखना है, इजी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। बस वहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए थे उनका भी यूज़ थोड़ा बहुत करना था, ताकि और अच्छा लगे ये। तो हमने पेपर के एप्लीकेशन थे ये तो डिस्कस कर लिए, बचा क्या क्वेश्चन आंसर, मतलब ग्रामर पार्ट बचा। सो प्लुरल ऑफ नाइफ, नाइफ का क्या होगा, एफ ई हटा के वी ई एस लग जाता है, तो नाइफ्स हो जाएगा। अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल क्या होगा, अगली होगा, इजी क्वेश्चन था। फ्रॉग जम्प्ड, जब भी कोई चीज़ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसको इनटू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनटू। डैश इज द राइमिंग वर्ड ऑफ राइट, तो राइट का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। रैमा रैमा एंड सोनल डैश गोइंग फॉर वॉक, तो आर गोइंग फॉर वॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद चिल्ड्रन आर फॉन्ड फॉन्ड ऑफ आता है, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, पहले का होगा फॉन्ड ऑफ होगा, दूसरे का आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई हैव आई लीव माय बेड, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एट 6 AM हो जाएगा। माय फादर वर्कड, ठीक है, तो वर्क क्या होगा, इन या फ्रॉम, तो फ्रॉम हो जाएगा और यहाँ पे इन हो जाएगा। सिंगुलर और प्लुरल बताना था, ये भी काफ़ी इजी आया था। बेबीज़ का बेबी होगा, चिल्ड्रन का चाइल्ड होगा, मैंगोज़ का मैंगो होगा, टेबल्स का टेबल होगा, इजी सा है, मैच कर लो आप आंसर। फिर उसके बाद इसमें भरना था ही शी सॉरी ही इज़ और द और हैव और हैज़। सो माई फ्रेंड लास्ट वाली का बताता हूँ मैं सबसे पहले।
इसका बताता हूँ मैं आंसर क्या होगा. सबसे पहला पहले देख लो, डैस बैगर आस्क फॉर मनी शी डैस ईटिंग द केक. ठीक है, सी इज हो जाएगा इसमें, थर्ड में आ जाएगा दे हैव आ जाएगा, फोर्थ में माई फ्रेंड हैज़ अ पेट डॉग. ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा. बाकी क्या था, बाकी कुछ भी नहीं था. क्वेश्चंस थे रीड करने के लिए, आंसर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, आप चेक कर लेना. जो भी सिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए. जो जिस टाइप का पेपर आएगा, इसी टाइप का पेपर आएगा तो आप अपने दोस्तों का शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.